हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन न्यू सीरीज लर्न फ्रॉम क्वेश्चन। दोस्तों ये एक नई सीरीज है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए। ये कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हैं और इन क्वेश्चंस की खासियत ये है दोस्तों कि ये क्वेश्चन थ्योरी से अलग अटकर है, यानी कि अगर आपने थ्योरी पढ़ भी ली है तब भी इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है आपको। ये लेवल टू और लेवल थ्री के क्वेश्चंस हैं, तो इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हों और आप और अच्छा परफॉर्म कर सकें गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये परमिबिलिटी से रिलेटेड चैप्टर का है, सॉइल मैकेनिक्स का, और 2018 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन का वैल्यू थी 2 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ और बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें नई सीख सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, और इससे आप ये भी चेक कर पाएंगे दोस्तों कि आपके परमिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। तो इट इज ए गुड सीरीज, आगे भी देखते रहिए, हम कंटिन्यूअसली इस तरह के वीडियोज पोस्ट करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, रेकॉन ने एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया है 20 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इन वीडियो फॉर्मेट, यानी कि वीडियो में फैकल्टी ने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है इन लेवल 1 एंड लेवल 2 स्टाइल ऑफ ऑब्जेक्टिव गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है जो लोग तैयारी कर रहे हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की। इसके अलावा रेकॉन ने पिछले 1 साल में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में 5 स्टूडेंट्स आर अमंग टॉप 50। तो दोस्तों सभी लोग टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं, आप पीछे मत रहिए, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, घर बैठे वीडियोस को डाउनलोड करिए और जब मर्जी और जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। दिस इज अ गोल्डन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए एट ए वेरी नॉमिनल रेट, यानी कि आप अपने पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, किसी मेट्रो में जाने की अब आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन ऑफ परमिएबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या है, 3 सॉइल स्पेसिमेन सॉइल 1 सॉइल 2 सॉइल 3 यहां दे रखा है डायग्राम में, ईच 150 mm लॉन्ग एंड 100 mm डायामीटर, यानी कि 150 mm इसकी लेंथ है, 100 mm डायामीटर है, आर प्लेस्ड इन सीरीज इन ए कॉन्स्टेंट हेड फ्लो सेटअप एज शोन इन द फिगर। यानी कि ये हेड जो है यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट रहेगा हमेशा 560 का, और पानी फ्लो करेगा यहां से, एंटर होगा सॉइल 1 में और सॉइल 3 से बाहर निकल जाएगा, ये यहां पे बताया गया है। और क्योंकि कहा गया है सीरीज है, यानी कि चार्ज जो क्यू है वो हर सॉइल में सेम रहने वाला है, यानी कि यहां से क्यू एंटर करेगा क्यू ही बाहर आएगा, सॉइल 2 में भी क्यू एंटर करेगा क्यू बाहर आएगा, और सॉइल 3 में भी क्यू एंटर करेगा और क्यू बाहर आएगा। डेट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज। Suitable screens are provided at the boundary of the specimen to keep them intact. यहाँ पे कुछ screens लगाई गई है दोस्तों जिससे कि soil displace ना हो, that is a simple experimental approach जिससे soil कहीं पे भी हिले नहीं, इसलिए screens लगा दी गई है। तो ये 3 यहाँ पे जो black lines आपको दिख रही है ये screens है। चलिए, the value of coefficient of permeability of soil 1, soil 2 and soil 3 are 0.01, 0.003 and 0.03 respectively. तो देखिए यहाँ पे soil 1 की permeability है 0.01, soil 2 की है 0.003, काफी कम है permeability, और इसकी है 0.03। तो दोस्तों दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में वो है हेड लॉस का कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से सॉइल में हेड लॉस होता है। अगर आप देखें जब सॉइल 1 में वाटर एंटर हुआ तो उसके पास हेड अवेलेबल कितना था, ये लेंथ का जो यहां पर है, दिस इज द हेड अवेलेबल टू द वाटर व्हेन इट एंटर्ड सॉइल 1, और जब वो बाहर निकला तो उसके पास कितना हेड अवेलेबल है, ये हेड अवेलेबल है दिस मच, यानी कि हेड लॉस कितना हो गया, ये हेड लॉस हो गया।
दिस इज द हेड लॉस इन सॉइल वन, मैं इसको H1 नाम दे देता हूं। अब जब सॉइल टू से वाटर एंटर किया और सॉइल टू के बाहर आया तो उसमें हेड लॉस कितना हुआ वो देखिए। एंटर किया तब ये हेड अवेलेबल था उसमें, यहां पे कर्सर पे देखिए, और जब बाहर आया तो उसके पास इतना हेड अवेलेबल है, यानी कि लॉस कितना हुआ ये वैल्यू, इसको मैं H2 कह देता हूं। एंड थर्ड, जब वाटर सॉइल थ्री में एंटर किया तो उसके पास हेड कितना अवेलेबल था ये वाला, और जब वो बाहर आया तो उसके पास हेड अवेलेबल कितना है ये, यानी कि हेड लॉस कितना हुआ इतना ये वाला पार्ट, जिसको मैं H3 कह रहा हूं, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में H है, और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि हर सॉइल में अलग अलग हेड लॉस हो रहा है, बट हर सॉइल के अंदर डिस्चार्ज सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं इक्वेशन के रूप में Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, बट H1 इज नॉट इक्वल टू H2 नॉट इक्वल टू H3। हेड लॉस तीनों ही सॉइल में डिफरेंट है, लेकिन तीनों ही सॉइल में डिस्चार्ज सेम है। तो H1 H2 H3 में रिलेशन क्या है? H1 H2 H3 में एक रिलेशन मिल रहा है दोस्तों, वो है कि H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू 560, कि माई फर्स्ट इक्वेशन इज Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू 560 मिलीमीटर। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब दोस्तों अगर आप देखें तो मेरे पास तीन अननोन हो गए, H1 H2 और H3, और मुझे फाइनली H3 ही निकालना है, जो कि H की टर्म में क्वेश्चन में दे रखा है। तो मुझे तीन इक्वेशन चाहिए, कि एक ही इक्वेशन अभी मेरे पास अवेलेबल है, वो है H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू 560। अब अगर मैं Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 का ढंग से यूज कर लूं तो मुझे दो बाकी इक्वेशन भी मिल जाएंगी, और उन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं, H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू 560, क्योंकि जितने अननोन हैं उतनी इक्वेशन तो आपको बनानी ही पड़ेगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब दोस्तों Q का फॉर्मूला क्या है, ये हमें पता है, Q इज इक्वल टू KIA, और मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू KH/L इंटू A। अब इसी को अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं K1H1 ओवर L1 इंटू A1, Q2 को लिख सकते हैं K2H2L2 इंटू A2, और Q3 को लिख सकते हैं K3L3H3 इंटू A3। अब अगर आप देखें तो तीनों की लेंथ सेम है, तो L3, L2, L1 कैंसिल हो जाएगा, तीनों का एरिया सेम है तो A1, A2, A3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिला क्या, हमें मिला K1 H1 इज इक्वल टू K2 H2 इज इक्वल टू K3 H3। अब मैं K1 H1 इक्वल टू K3 H3 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, K1 की वैल्यू 0.01 गिवन है, K3 की वैल्यू 0.03 गिवन है, यानी कि 0.01 H1 इज इक्वल टू 0.03 H3। यहां से मुझे मिल गया दोस्तों कि H1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ H3। सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या बना सकते हैं, K2 H2 इज इक्वल टू K3 H3, यानी कि K2 H2 इज इक्वल टू K3 H3। K2 की वैल्यू गिवन है 0.003, H2 इज इक्वल टू K3 0.03 H3। तो यहां से आपको मिल गया H2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ H3। ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए दोस्तों, बस एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि H1 को मैंने लिख दिया 3H3, H2 को लिख दिया 10H3, H3 खुद तो था ही, दिस इज इक्वल टू 560, 14H3 इज इक्वल टू 560, यानी कि H3 इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर, एंड H3 इज नथिंग बट माई H, सो मुझे H की वैल्यू कितनी मिल गई, 40 मिलीमीटर, एंड दिस इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट अगर आप देखें कि आपसे ये लेवल पूछा गया होता, इस पीजोमीटर में ये लेवल कितना है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे, आपको H2 की वैल्यू अब पता है, H2 कितना है दोस्तों, यहां पे H3 की वैल्यू 40 रख दीजिए तो आपको H2 मिलेगा 400।
तो टोटल हेड लॉस कितना हुआ है सॉइल टू के अंदर 400 का, ये लेवल है 40 का, तो ये लेवल कितना होगा 440। तो फर्स्ट लेवल इज 560, सेकंड लेवल इज 440, थर्ड लेवल इज 40, यानी कि सॉइल वन में अगर हेड लॉस की बात की जाए तो वो 120 का हो गया। क्लियर हुआ आपको दोस्तों, 560 माइनस 440 इज 120, और इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते थे H1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ H3, H3 इज 40, सो 3 इंटू 40 इज 120। सच ए नाइस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2018। जो टॉपर्स हैं दोस्तों, जरूर उन्होंने इस क्वेश्चन को किया होगा। तो देखिए, हेड लॉस का कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लियर किया जा सकता है। बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंसंट्रेटली सॉल्व करिए और देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप और किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं, वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे। और साथ में एक बात हमेशा याद रखिए कि हैव लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ एंड कीप इंजॉइंग योर सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच।